हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ देख सकते हैं आरुष। मम्मी तुमको पता है मेरे उम्र तो अपना नया बैग भी स्कूल में ला रहा, मुझे भी अपना नया बैग। ओके आपको नया बैग दे दूंगी एग्जाम के बाद से। ठीक है अब ये देखो क्या बना रहा है तुम? सैनिटाइजर। तो ये सैनिटाइजर बना रहा है, देखो नया। इतना छोटा क्या बोल सकते हैं मैंने पहले बुलबुला को ऐसे लिया, फिर इसमें डाला, फिर मैंने एक और चेंज किया, फिर मैंने बहुत सारे डिब्बा में डाला इसको, फिर मैंने इसको मिला, तो फिर उसका बुलबुला उड़ने लगा व्हाइट सा, तो फिर ये बन गया। तो देख सकते हैं इतना छोटा बच्चा ने बनाया है सैनिटाइजर। तो कमेंट करके बताइएगा कि आरुष ने कैसा सैनिटाइजर। आरुष दिखाओ एक बार अपना सैनिटाइजर। इधर से व्हाइट, इधर से लाल। अगर आप में से किसी को भी सैनिटाइजर चाहिए तो हमें प्लीज कांटेक्ट करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, कमेंट करें। ये तो आइसक्रीम वाला बन गया ना। और कल है आरुष का टेस्ट भी है। एक्चुअली आरुष का फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा है अभी। तो आरुष का दो एग्जाम हो चुका है, फिलहाल ऑरल चल रहा है, रिटेन तो अभी 17 से है। कल क्या है आरुष तुम्हारा? ऑरल। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। तो कल आरुष का मैथ्स का है। घर में मिर्ची जला, इस वजह से मुझे खांसी हो रहा है। लेना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सैनिटाइजर नहीं चाहिए पापा। अरे लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। नहीं नहीं, ये देखो ससुर बन गए तो ऐसा सैनिटाइजर की मुझे फिर से हाथ धोना पड़ेगा। देखो ना कितना अच्छा ये छुंग छे गंदू। देखो कितना अच्छा सैनिटाइजर बना है। तो गाइस अभी हाँ सुन लिया, बहुत अच्छा है तुम्हारा सैनिटाइजर। तो अभी जस्ट नहीं, एक घंटे पहले ट्यूशन से आया। कैसा लगा मेरा सैनिटाइजर? हाँ तो गाइस आप लोग कमेंट करिएगा मेरा आरुष का सैनिटाइजर आप लोग को कैसा लगा। और वैसे अभी थोड़ी देर पहले आरुष एक घंटे पहले ट्यूशन से आया है, तो उसको मैंने खिलाया पिलाया और अभी जस्ट खाना बना के रूम में आई हूँ। तो मैं इसका ऑरल है तो मैं बस खेल भी रही हूँ इसके साथ में और इसका ऑरल भी पूछ रही हूँ। तो बस इसका हो चुका है कम्प्लीट और एक बार कल सुबह मैं रिविजन करवा दूंगी। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो ही अभी मतलब छोटा क्लास में है तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत आता है तो बस कर लेते हैं। आरुष मेरा ठीक है, अच्छे से कर लेता है, आरुष गुड बॉय है। तो फिलहाल काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही चिट चैट टाइप का आप लोग के साथ एक शेयर करूँ ब्लॉग। और काफ़ी टाइम से नहीं बना रही हूँ क्योंकि जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते तो मन नहीं करता है। और काफ़ी टाइम से मैं लाइव ही कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लूँ, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और ताकि हम भी आगे बढ़ें। सो आज का वीडियो बस मैंने सोचा ऐसे ही आप लोग के साथ शेयर करूँ, कुछ बातें करूँ। तो ये बस छोटा सा एक चिट चैट टाइप का ब्लॉग था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पे मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ आरुष का पिगी बैंक। ये देखो यहाँ पे रेड कलर का ये बनाया हुआ था तो इसने निकाला, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा खाली इसमें कॉइंस है। और एक और पिगी बैंक है जो कि है इधर, ये देख सकते हैं पम्पकिन वाला। तो ये 30 या 40 में मैं रथ मिला था, वहाँ से लेके आई थी, उसको पसंद आ गया था। तो बस इसमें तो घुसाता है तो निकाल नहीं सकता, लेकिन इसमें घुसाने से ये निकाल लेता है नीचे से। ये देख सकते हैं निकालने वाला सिस्टम है। तो बस उलट गया ये तो। सो गाइस चलो, आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। फिलहाल तो कुछ है नहीं खास, तो मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ घर का, क्या शेयर करूँ रेगुलर। बट अभी काफ़ी सारे हमारे जो फेस्टिवल है वो आने वाले हैं, तो बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा।
एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।